कहानी की शुरुआत होती है स्वीटी से, जिसके हाथ पैर किसी ने बांधकर उसे पूरा नंगा कर दिया है और उसके साथ टॉर्चर करके उसका शोषण भी किया है। पर ऐसा किसने और क्यों किया है इसका पता लास्ट में पता चलेगा, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। पर उससे पहले सभी को शुरुआत में ही एक ज़बरदस्ती वाला रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा, जो पूरा पावरफुल सीन है। और इस सीन के बाद 3 महीने पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे 3 बहनें एक छोटी सी बेकरी चलाते हैं, जिसमें स्वीटी सबसे बड़ी है और अलीशा और श्रद्धा पढ़ाई करते करते ये बेकरी भी चलाते हैं। इनके माँ बाप जब से गुजर गए हैं, तब से इनका ख्याल चाचा और चाची ने मिलके किया है। तो इनके बेकरी में माल पहुँचाने वाला बंदा अजय है, जो दिखने में बिल्कुल डैशिंग है और इसकी दीवानी ये 3 बहनें हैं। पर स्वीटी ने अपना टाका बिना किसी को बताए अजय के साथ लगवा लिया है और रोज़ उसे चुप चुप के से मिलने भी जाती रहती है। अजय स्वीटी से बहुत ही प्यार करता है और उससे जल्दी शादी करना चाहता है, पर स्वीटी का सपना है कि वो मुंबई में जाकर कुछ बड़ा करके नाम कमाए। पर इसके सपने सिर्फ सपनों में ही अच्छे लगते हैं, कभी इसे मुंबई जाने को ही नहीं मिला है। अब रात को स्वीटी का चाचा एक लड़के के बारे में बताकर उससे शादी करने के लिए कहता है, पर स्वीटी अपने अजय के साथ गद्दारी नहीं करना चाहती। इसी वजह से वो अपने चाचा के साथ बहस करके इस शादी से इनकार करती है और फिर अपनी नाराज़गी दूर करने के लिए स्वीटी जाती है अजय से मिलने, और इसके साथ थोड़ी प्यार मोहब्बत करके वो अपना दुख दर्द कम करने लगती है। और अभी यहाँ पे इन दोनों का कातिल भरा हॉट सीन देखने को मिलेगा, जो पूरे 18 मिनट का सीन है। और इनका ये कारनामा ये चुपके से अलीशा देख लेती है। इनको ऐसा करता देख अलीशा के बदन में 240 वोल्ट का करंट लग जाता है और वो बेकरी के कबाड़ खाने में जाके मस्त मोबाइल में पॉर्न वीडियोस देखकर अपना पूरा पानी निकालने लगती है। और अलीशा का एक गजब वाला सोलो सीन यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर अगले दिन अजय अपने दोस्त रोहन को स्वीटी से मिलवाने लाता है, क्योंकि ये मुंबई में काम करता है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा इसका बिजनेस है और इसके जान पहचान वाले बहुत सारे लोग हैं मुंबई में। और रोहन पहली बार स्वीटी को देखते ही बस उसे घूरता ही रहता है, ना जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि साले रोहन की नज़र कई स्वीटी की ज़िंदगी तबाह करके रख दे। पर देखते हैं आगे क्या होता है। तो अजय स्वीटी की सारी परेशानी और उसके सपनों के बारे में सब कुछ बताकर उसे वहाँ पे कोई काम ढूंढ के देने के लिए कहता है, ताकि उसकी लाइफ सेट हो के अजय की शादी जल्दी इसके साथ हो सके। रोहन स्वीटी को मुंबई ले जाने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके बाद स्वीटी और अजय का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और फिर अपनी रात रंगीन करने के लिए दोनों फिर से थूक पिटाई करने लगते हैं। और फिर से इन दोनों का ज़बरदस्त वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा, जो पूरे 15 मिनट का सीन है और पूरा झक्का सीन है। पर अजय की ये आखिरी रात इसके साथ यानी कि स्वीटी के साथ होती है, क्योंकि अगले ही दिन स्वीटी कई गायब हो जाती है। अजय बार बार उसे कॉल करता है पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ होता है। और जब वो बेकरी में जाके स्वीटी के बारे में पूछता है, तो अलीशा कहती है कि वो अपने दोस्त के साथ कहीं बाहर घूमने गई है। अब स्वीटी का नया दोस्त कौन सा आ गया जो बिना बताए वो चली गई। अजय का पूरा शक रोहन के ऊपर जाता है, क्योंकि वो भी गायब है। यही सोच सोच के अजय बहुत ही परेशान हो जाता है और वो मस्त शराब भी पीता है। इसी चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और अगले दिन अजय का भाई आकर इसका ट्रीटमेंट करवाता है, जहाँ सूरज को अजय की डायरी मिलती है, जिसमें उसने सिर्फ स्वीटी के बारे में लिखा है। पूरी डायरी पढ़ के सूरज को पूरा समझ आता है कि मेरे भाई की ऐसी हालत के पीछे इसी का हाथ है, जिसके बाद सूरज के अंदर बदले का गुस्सा पैदा हो जाता है और वो उससे बदला लेने के लिए उसके बेकरी में काम ढूंढने जाता है। सूरज अपनी गरीबी दिखाकर इस बेकरी में काम हासिल कर लेता है। अब देखते हैं आगे सूरज क्या क्या करता है। तो सूरज को स्टोर रूम में रुकने के लिए कहा जाता है, पर यह जगह तो अलीशा की पानी निकालने की जगह है। अगर ये यहाँ रहेगा तो अलीशा कहाँ पे जाके अपनी गांड मरवाएगी, ये भी देखने वाली बात है। अब अगले सीन में स्वीटी के चाचा और चाची का मस्त गजब वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा। हाय राम,
इन दोनों की केमिस्ट्री और प्यार करने का तरीका बड़ा ही प्यारा है, जिसमें दोनों की चुम्माचाटी पूरी गजब की है। और इनका ये सीन पूरे 17 मिनट का है और पूरा पैसा वसूल कर देने वाला सीन है। अब अगले दिन सीढ़ियों से आते समय श्रद्धा का पैर फिसल जाता है और वो जोर से गिर जाती है, तो अपना सूरज भाई उसे अपनी गोदी में उठाकर लाता है। पैर में सूजन आने की वजह से सूरज उनके पैर में मलहम लगा के देने लगता है, और कब मलहम लगाते लगाते सूरज के हाथ उसके गुफा के अंदर तक जाते हैं यही नहीं पता चलता। और जैसे जैसे सूरज अपने हाथ अंदर घुसाता है, वैसे वैसे श्रद्धा को सेक्स वाली फीलिंग आने लगती है, और अब श्रद्धा आउट ऑफ कंट्रोल होके अपने चूत का पानी निकालने लगती है। सूरज का प्लान यही था, एक एक को अपने प्यार में गिराकर उनकी गांड मारी जाए। और यहाँ पे सूरज श्रद्धा की बड़ी अच्छे से मरम्मत करता है, और वेब सीरीज के लास्ट में पूरा माइंड ब्लोइंग वाला सीन देखने को मिलेगा, जो पूरे 12 मिनट का सीन है और लाजवाब सीन है। इसी के साथ लव बाइट पार्ट 1 की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है, पर अभी काफ़ी राज खुलने बाकी है जो अब इसके पार्ट 2 में ही देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ ताकि आपको हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं लव बाइट पार्ट 2 की कहानी भी जल्दी लेकर आऊँगा, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और जाते समय इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो आज के वाले वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।